आज हम प्रशासन द्वारा बंद किए गए मार्ग की करघाट की हकीकत आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां 50 रुपए में उड़ाई जा रही हैं। जो मार्ग आम नागरिकों के लिए बीते एक माह से ज्यादा समय से बंद है, वहां सैकड़ों बाइकें हर रोज सुविधा शुल्क देकर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। इतना ही नहीं, बकायदा बाइक वालों से पैसे लिए जाने की बात दोनों छोर पर तैनात वनकर्मी फोन की इजाजत, आने जाने की इजाजत पैसे लेकर दे रहे हैं, जबकि MPRDC विभाग ने मार्ग दुरुस्त कराने के लिए काम चालू कर रखा है, जिसके सामान व मशीनें उक्त मार्ग पर रखी हुई है। ऐसे में यदि कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जब हमारी टीम स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, तब सबसे ज्यादा नुकसान वाली जगह सिद्ध बाबा के पास एक बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिर गया, जहां मार्ग नीचे से खोखला है और निर्माणाधीन मार्ग एजेंसी ने रेत की बोरी लगाकर पूरी जगह को चिन्हांकित कर रखा है। बाइक सवार ठीक उसी जगह पर अपने साथी के साथ गिरा। यदि इंच दो इंच दूर गिरा होता तो सैकड़ों फीट खाई में जा समाता और हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान भी जा सकती थी। ऐसी घटना कब हो जाए किसी को नहीं पता, पर वन अमले को क्या, 50 रुपए तो मिल ही जाते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे तक के कर्मचारियों का हिस्सा बनता है। तभी तो ये कर्मचारी कलेक्टर के आदेश को हवा में हर रोज उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। खुफिया कैमरे से लैस रिपोर्टर जब कीकर घाट के नीचे के छोर में अनूपनगर की तरफ से पहुंचता है, तब देखिए कैसे उससे पैसे देकर जाने की बात कही जाती है। उसके द्वारा पैसे की रसीद मांगने पर डांट पीट कर उसे भगा दिया जाता है और उसके सामने से ही कई मोटरसाइकिल 50 रुपए देकर धड़ाधड़ उसी जगह से निकलती रहती हैं। वहीं दूसरे छोर पर बैठा वन कर्मी बकायदा एक एक वाहन का हिसाब नीचे वाले अपने साथी से लेता है, जो पैसे नहीं देकर जा रहे हैं। वसूली दूसरे छोर पर बैरिकेड खोलने से पहले कर ली जाती है, तभी उसे बाहर जाने दिया जाता है। ये क्रम दिन रात बराबर चलता रहता है। इस गंदे खेल से पर्दा उठाने का काम तो हमारे रिपोर्टर ने अपना कर्तव्य समझकर कर दिया। अब आगे देखना होगा कि जिला कलेक्टर, SDM सहित प्रशासन इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर नकेल कसते हुए क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल तो सैकड़ों लोग प्रतिबंधित मार्ग में सेवा शुल्क चुकाकर बेधड़क आवाजाही कर रहे हैं, तो वन अमले को अतिरिक्त आय का यह स्रोत बना हुआ है। इस आय पर हिस्सेदारी किसकी है, कितनी है, ये जानना प्रशासन की जांच का विषय है। आपका? महेंद्र कुमार द्विवेदी। सर, ये किरर घाट जब से क्षतिग्रस्त हुआ है तो काम आप ही देख रहे हैं? हाँ, हम देख रहे हैं, हमारे स्टाफ के अधिकारी भी हैं। कौन सी कंपनी का काम चल रहा है? TBCL का। TBCL का। सर, ये कितने दिनों में लगभग लग रहा है कि काम संपन्न हो जाएगा? लगभग 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास सभी उपकरण उपलब्ध? हाँ, सब है। आप लोग तो देख ही रहे, चल ही रहा काम, उसमें कहीं रुकावट तो है नहीं। हाँ, अपना प्रयास यही है, कल की सेटिंग लगे आज डाल रहे हैं। ये बोल रहे थे यहाँ से मोटरसाइकिलों का आवाजाही होता है तो काम में आप लोगों को दिक्कत होती? हाँ, दिक्कत होती है। वो क्या है, गाड़ियों के आसपास जाते हैं, खड़ा कर देंगे, बस टी 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 चालू कर देंगे, काम करना मुसीबत हो जाती है। तो मोटरसाइकिल वाले दिन भर निकलते हैं क्या? दिन भर निकलते हैं, बात ही नहीं मानते हैं, गाड़ियों के पीछे ले जाएंगे, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाए। दिन भर में कितनी मोटरसाइकिलें निकल जाती हैं? काम से काम नहीं तो दिन भर में 100 मोटरसाइकिल ऊपर जाती हैं। तो इस तरह में यदि आना जाना मोटरसाइकिल वाले करते तो कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। सर, अभी हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में कि यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है मोटरसाइकिल वालों को? नहीं आने दिया जा रहा है सर, मुस्तैदी से हम लगे हुए हैं यहाँ पे और एक भी गाड़ी वाहन इधर से हम नहीं जाने देते हैं। हमारे दाएं बाएं इधर उधर से बाहर से चला जाए वो अलग बात है, वहाँ मैं नहीं जाता हूँ रोक टोक लगाने। कोई इधर उधर से रोड खेत तालाब से कहीं से चला जाए। सर, आपको क्या यहाँ से आने जाने के लिए कोई दबाव डालता है? देखिए यहाँ से अभी पब्लिक का दबाव बनता है कि हमको इमरजेंसी। देखिए अभी वहाँ से ही वो मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, ये आखिर डिपार्टमेंट के ही लोगों ने छोड़ा है, इसलिए वहाँ से आ रहे हैं। आपको मैं ये बताया कि दाएं बाएं से रोड में तो आदमी बैरिकेड 10 मीटर 20 मीटर में लगा है, इसके पूरे दुनिया में तो बैरिकेड नहीं लगा है सर। सर, किरर घाट एक ऐसा घाट है जहाँ इधर उधर से मोटरसाइकिलें नहीं आ जा सकती हैं बिना सड़क के। देखिए ऐसा है कि मोटरसाइकिल एक ऐसी वाहन है कि जो किसी भी छोटी सी गली गुचे से भी निकल सकती है, कहीं से भी निकल सकती है। ये कहना तो गलत है कि रोड एवर से निकलती है। सर, हमारे पास ऐसी संबंधित जानकारी और वीडियो आई है जो यहाँ से ही बैरिकेड छोड़कर जाने और यहीं पास से ही बैठे ऐसे ही वर्दीधारी यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो सर नहीं छोड़ते। इसमें वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं रोड के, जो पहाड़ गिरने का है, क्योंकि बरसात का समय भी है
और किसी भी व्यक्ति को उसके निकलने की अनुमति नहीं है। अब जिला प्रशासन और स्थानीय अनुभागीय दंडाधिकारी पुष्पराजगढ़ ने भी आदेश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को पार कराना ये उनके जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति लेन देन करके यदि उसको मोटरसाइकिल में पार करा रहे हैं तो पूर्णतः जो है ये दंड के भागी वो भी हैं। जैसा कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति या मोटरसाइकिल से वहीं गिर गया जहां पर रोड क्षतिग्रस्त हुआ था, तो कैसे ये लोग आ जा रहे हैं। इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रशासन से भी मैं बात करूँगा, यदि कोई ले दे करके मोटरसाइकिल पार करा रही तो उस पर हम कार्रवाई भी कराएंगे। सर, फॉरेस्ट विभाग वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं नीचे ऊपर दोनों, और कल देखते ही देखते करीबन लगभग 20 से 25 मोटरसाइकिलों का आना जाना हो रहा था वहाँ। नहीं, गलत है, पूर्णतः गलत है। हमारी कार भी प्रभावित होगा ऐसे में, और दूसरी तरफ जो है वैसे भी का रोड पूर्णतः क्षतिग्रस्त है और पत्थरे गिर रही हैं। यदि कोई ऐसी तरीके से यदि आप संज्ञान में मेरे आए हैं, निश्चित ही इस पर हम कार्रवाई कराएंगे। वो कोई भी होगा, चाहे पुलिस वाले हों चाहे वन विभाग की कर्मचारी। सर, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ वन विभाग वालों का, तो ऊपर और नीचे यहाँ राजिंद ग्राम से उधर नीचे ना जा सकें और अनूपपुर से राजिंद ग्राम न आ सके, दोनों जगह बैरियर लगा हुआ है। यदि ऐसा होता है तो जब उस समय जो भी ड्यूटी में रहेगा वो विभाग पर व्यक्ति और विभाग पर कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारी को आदेश के आदेश अनुसार वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से राजिंद ग्राम के कर्मचारियों को लगाए गए। वहाँ पे हमने देखा जाके तो कुछ मोटरसाइकिल वाले जो है हम लोगों को घाट में मिले हैं। वापस कर रहे हैं सर, जो वीडियो हमारे पास है वहाँ पे इधर से गेट खुल रहा है और उधर नीचे साइड से गोल गेट खोल के निकाल रहे हैं। कोई गेट नहीं खुल रहा, सब बिल्कुल सुरक्षा में, कुछ नहीं खुल रहा। सर, वहाँ पे कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है अपने यहाँ से? वहाँ 3 कर्मचारी है। 24 घंटे की ड्यूटी रहती है? 24 की नहीं होती, मतलब 2 शिफ्ट में होती है। 2 शिफ्ट में होती है, वैसे 6-5 बजे छूट जाएगी। सर, हमारे पास कुछ वीडियो आए हैं जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई। कुछ नहीं हमारे पास, न कोई पैसा है न कोई लेन देन। ठीक, सुरक्षा में रह रहे सर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अनूपपुर से अजय मिश्रा की रिपोर्ट।